नंबर नाइन देखिए, यहाँ पे नाइन का एलएचएस लेते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग। एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही ना दिया है। चलिए अब लिखते हैं। एक काम करो, मैं आर वन की जगह आर वन माइनस आर टू कर रहा हूँ ताकि यह आ जाए, और आर टू की जगह आर टू माइनस आर थ्री करते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वाई माइनस जेड हमें भी लाना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। आर वन की जगह आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू घटाओगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए अगले स्टेप में, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। बाकी यहाँ पे क्या है, जेड है, जेड स्क्वायर है, एक्स वाई है। चलिए अगला स्टेप में देखते हैं। मैं इसे काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे, और यहाँ से माइनस का जेड कॉमन करता हूँ, तो पहले एक्स आएगा और फिर वाई आएगा, क्योंकि माइनस जेड कॉमन किया है। चलिए, क्योंकि एक्स माइनस वाई लाना था इसलिए ऐसा किया, वाई माइनस जेड, यहाँ पे देखो इसको वाई माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड कर सकता हूँ। यहाँ से देखो माइनस का एक्स कॉमन करूंगा ताकि वाई पहले आ जाए और जेड बाद में आ जाए। चलिए, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई लिखेंगे, टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई फ्रॉम आर वन एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू, ये पहले निकालते हैं, आर वन आर टू से निकालते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड, चलिए देखते हैं क्या बचता है। यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई और यहाँ माइनस का जेड, फिर यहाँ वन, यहाँ पर वाई प्लस जेड और यहाँ माइनस का एक्स, जेड जेड स्क्वायर और फिर आपका है एक्स वाई। चलिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, सी आर वन के जगह आर वन माइनस आर टू, जीरो लाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड, यहाँ वन में से वन गया जीरो, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड बचेगा, और यहाँ माइनस का जेड प्लस का एक्स हो जाएगा, वन वाई प्लस जेड माइनस का एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही ना होगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड, ब्रैकेट के अंदर सॉरी डिटर्मिनेंट में आपका जीरो, यहाँ देखो इसे माइनस वन कॉमन करते हैं, तो ये भी जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन करते हैं, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स भी चाहिए, वन वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स, यहाँ फिर है आपका जेड, ठीक है, फिर आपका है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए अब जेड माइनस एक्स को निकालेंगे, लिखेंगे टेकिंग आउट जेड माइनस एक्स फ्रॉम आर वन फ्रॉम आर वन। चलिए हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड और इंटू में जेड माइनस एक्स, बचेगा अंदर क्या, जीरो माइनस वन माइनस वन, और फिर वन वाई प्लस जेड और फिर माइनस का एक्स, फिर है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। चलिए एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी टू के जगह, सी टू के जगह सी टू माइनस सी थ्री, इसमें से इसको घटा लेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश करते हैं यार। चलिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे जीरो वन जेड ऐसे छोड़ दो, सी टू की जगह सी टू माइनस सी, इसमें से इसको घटाओगे जीरो, इसमें से इसको घटाओगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तो जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई आ जाएगा, फिर आपका माइनस वन माइनस एक्स और एक्स वाई। चलिए अब ये दो को जीरो हो गए ना जी, यहाँ आर वन वाले दो एलिमेंट जीरो हो गए, ये बच गए, तो आर वन के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन। चलिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और इंटू में जेड माइनस एक्स इंटू में माइनस वन, और यह ढक जाएगा यह ढक जाएगा, वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 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 स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है, और माइनस यहाँ सब में इंटू करो तो माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा ना यहाँ पे, समझ रहे हैं कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर,
सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दिया शुरू में, देखो यहाँ घटाया ना सी टू में से सी थ्री, तो जेड स्क्वायर में से एक्स वाई घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है, ये माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में ही, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए समझ रहे ना, सी टू की जगह सी टू माइनस सी थ्री की है तो इसमें से इसको घटाए है, यहाँ माइनस होना चाहिए ना। चलिए यहाँ माइनस आ गया, तो इंटू हुआ तो यह देख रहे हैं, और फिर यह इंटू हुआ तो यह, तो तीनों यहाँ माइनस में है और ये माइनस का वन है, तो सब में इंटू होगा तो सब प्लस में हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड और इंटू में जेड माइनस एक्स और इंटू में आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, सब प्लस में चल जाएगा माइनस वन से इंटू होगा तो। चलिए यही ना मैं प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।